गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी इन स्टैंडर्ड 4. सो किड्स, हमारा हिंदी जो है वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही आया है. आई होप सभी बच्चों ने हिंदी की टेक्स्ट बुक और नोटबुक अच्छे से कंप्लीट की होगी. जो जो मैंने चीज़ें लिखने के लिए दी हैं आप अच्छे से लिख रहे हो घर पे, और हिंदी अच्छे से लर्न करना है, कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे होंगे. सो किड्स, लास्ट टाइम हमने पुनरावर्तन 2 में मैंने आपको घर से हाथी के बारे में लिखने के लिए बोला था. आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से हाथी के बारे में लिखा होगा, गूगल सर्च किया होगा और अपने हिसाब से लिखा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2A, B और क्वेश्चन 3 मैंने ऑलरेडी आपको करवा ही दिया है. आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से वीडियो में देख के ये अच्छे से कम्प्लीट किया होगा. सो मैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाली हूँ. मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था कि आपको ये अच्छे से खुद से ट्रांसफ़र करना है और लिखना है कि एज अ गिवन एग्जांपल, जो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है उसकी तरह. तो मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को आया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करवा देती हूँ एक बार ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे लिखना है और क्या क्या मिस्टेक्स आपने की है. तो आप अच्छे से चेक कर लेना वीडियो से देख देख के. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया है यह तितली है. तो यहाँ पे ओनली एक तितली के लिए बात हो रही है. तो यह का हो जाएगा ये, तितली का हो जाएगा तितलिया का है, ये तितलिया है. ओके, वैसे ही यहाँ पे मुझे दिया है वह मछली है. तो वह का हो जाएगा वे मछली. तो यहाँ पे दीर्घ ई है तो यहाँ पे रस्वई आएगा, मछलिया है. ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कभी कोई वर्ड में अगर एक चीज़ के लिए बात हो रही है तो वो यहाँ पे दीर्घ ई दिया गया है, बड़ा ई है, तो यहाँ पे अगर उसका बहुवचन हो रहा है तो वहाँ पे रस्वई ई यानी कि छोटा ई आ जाएगा. ओके, उसके बाद है यह लड़की है. यह का हो जाएगा ये लड़की, उसका हो जाएगा लड़की या लड़किया है. उसके बाद है यह बिल्ली है. तो ये यह का हो जाएगा ये बिल्ली का बिल्लिया है, ये बिल्लिया है. वह घोड़ा है. तो वह का हो जाएगा वे घोड़ा का हो जाएगा घोड़े. इसमें घोड़िया ऐसा नहीं लिख सकते, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े है, वह घोड़े है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपने देखा ही होगा कि मैंने कैसे बनाया है. वह मछली है, वे मछलियाँ हैं. यह लड़की है, ये लड़कियाँ हैं. यह बिल्ली है, ये बिल्लियाँ हैं. वह घोड़ा है, वे घोड़े हैं. ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. यहाँ पे पेज नंबर 43 पे मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया. आई होप सभी बच्चों ने खुद से लिखा होगा तो शायद सच ही होगा. अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो इसमें से देख के सुधार लेना. उसके बाद है पेज नंबर 44 पे सही विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए. तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें ऑप्शंस के अनुसार सही विकल्प लिख के हमें अच्छे से सेंटेंस बनाने हैं और देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा सेंटेंस के लिए. तो ब्लैंक तितलियाँ है, तितलियाँ यानी कि बहुत सारी तितलियाँ हैं. तो बहुवचन का सेंटेंस है तो उसके लिए आएगा ये. तो यहाँ पर लिखेंगे ये तितलियाँ हैं. उसके बाद है ब्लैंक तुम्हारा फूल है. ओके, तो तुम्हारा फूल है, लेकिन फूल कितने हैं? ओनली वन, एक ही है. तो आएगा वह तुम्हारा फूल है.
यहाँ पे हमें दिया है वह और वे। तो जब भी एकवचन की बात हो रही, किसी एक चीज़ के लिए बात हो रही, तो वह यह ऐसे वर्ड आते हैं। और जब भी बहुवचन की बात हो रही, बहुत सारी चीज़ों के लिए बात हो रही, तो ये वे ऐसे वर्ड्स आते हैं। ओके, उसके बाद है ब्लैंक किसान हूँ, तो मैं किसान हूँ, ये वाला मैं यानी कि खुद की बात हो रही है, मैं किसान हूँ। यह पाठशाला है, यह पाठशाला है, ब्लैंक कई छात्र पढ़ते हैं, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स, ब्लैंक कई छात्र पढ़ते हैं। तो यह है उसकी वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे इनमें कई छात्र पढ़ते हैं या इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे पाठशाला के लिए, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं, इसमें, यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। किसान ब्लैंक करता है, किसान क्या करता है, तो किसान क्या करता है, तो क्या, किसान कौन करता है ऐसा तो नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसान क्या करता है। तो बन गया अच्छे से क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है ब्लैंक लड़के ने मुझे लड्डू दिया, तो उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया या फिर वह लड़के ने मुझे लड्डू दिया, हम क्या बोलेंगे, उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया, तो यहाँ पे आएगा उस। तो चलो सारे सेंटेंस हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने राइट ऑप्शंस लिखे हैं या रॉन्ग। तो ये तितलिया है, वह तुम्हारा फूल है, मैं किसान हूँ, यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं, किसान क्या करता है, उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस करवा दिए हैं आपको अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स में। सो किड्स, यहाँ पे है पेज नंबर 44 पे हमारे हिंदी की टेक्स्ट बुक जो है, हिंदी का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कुछ नया सीखेंगे हिंदी में, यहाँ पे हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से टेक्स्ट बुक कम्प्लीट कर देना, और पुनरावर्तन टू वो पूरा का पूरा जो है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है अच्छे से। क्वेश्चन वन आपने तो लिखा ही होगा, क्वेश्चन टू ए बी, क्वेश्चन थ्री फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव, तो ये पांचों के पांच क्वेश्चन आपको अच्छे से नोटबुक में पुनरावर्तन टू का हेडिंग लगा के नोटबुक में अच्छे से पुनरावर्तन टू कंप्लीट कर देना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।